हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ अगे क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 5A। क्वेश्चन नंबर 22, ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन ओ ए पी विद SHM हैज इट्स वेलोसिटी जीरो व्हेन इट इज एट पॉइंट ए एंड बी। इट हैज़ वेलोसिटी वी व्हेन इट इज हाफ वे बिटवीन दैम। If distances of A and B from origin O are A and B respectively, show that periodic time is this। तो इतने अपन की दे रखे, अपन positions दे रखिया ने जिन्हों के उपर particle की velocity zero है, means वो position extreme position होनी है। तो उन्होंने position के विचकार जरा midway point हैगा उत्थे velocity दे रखी है, means अपन maximum velocity दे रखी है। तो आप जिहड़ा हैगा टाइम पीरियड पता करना हैगा, तो आ अपनी लाइन ऑफ मोशन लै लो ओ ए बी, ठीक है। आ कोई पॉइंट रेफरेंस पॉइंट ही है, ए पॉइंट तो बी पॉइंट के विचकार, दोनों के ए ते बी दे विचकार कोई सी पॉइंट हैगा। तो जिहड़ा हैगा ए ते बी दोनों के उपर जिहड़ी वेलोसिटी हैगी है वह जीरो हैगी है, तो ए ते बी फिर जिहड़े ने दोनों एक्सट्रीम पोजिशन होणगियां, तां ओबियसली पार्टिकल इस तरह इन्हां दोनों पॉइंट्स दे विचकार ओसीलेट कर रहा होगा। तो सी दे उपर जिहड़ी वेलोसिटी आपां नूं वी दे रखी है, दैट मीन जिहड़ा सी पॉइंट है ये मेन पोजिशन वाला पॉइंट होगा। तो इत्थे जिहड़ी वेलोसिटी जिहड़ी हुंदी है मेन पॉइंट ते, आपां नूं पता है कि वेलोसिटी जिहड़ी हुंदी है वह मैक्सीमम हुंदी हैगी है। तो क्योंकि ए ते बी एक्सट्रीम पोजिशनस ने, तो इन्हां दा जिहड़ा अध होएगा डिस्टेंस ए ते बी, ए बी डिस्टेंस का अद्ध जो होएगा वो एम्पलीट्यूड होएगी अपने मोशन की, तो एक बड़ा दो ए बी जी है थोड़ी एम्पलीट्यूड बनेगी। तो असल ए बी डिस्टेंस नू मापन लिए अपन तो वो रेफरेंस पॉइंट दे रखे हैगा, तो ये रेफरेंस के अपन ए ते बी की पोजिशन जी है ओ बी माइनस ओ ए करके आप ए बी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओ बी बी दे रखे तो ओ ए अपन ए दे रखे, तो जी फिर एम्पलीट्यूड बन जाती है वो एक बड़ा दो बी माइनस ए बन जाती हैगी है। उस तो बाद जरा सी हैगा वो मिड पॉइंट हैगा ए बी का, तो इतने ही मैक्सीम विलोसिटी वी अटेन होंगी हैगी है। अपन मैक्सीम विलोसिटी का फार्मूला पता हैगा, वो वी इज इक्वल टू स्केयर रूट म्यू इन टू एम्पलीट्यूड हों। एम्पलीट्यूड आप उपर निकाल चुके हैं, एक बड़ा दो बी माइनस ए आप भर दें, इतों आप स्केयर रूट म्यू जोड़ा है वो निकाल लेने जो कि टू वी पॉन बी माइनस ए आ जाएगा। तो आपको पता है कि टाइम पीरियड के स्केयर रूट म्यू ही कैलकुलेट करना होंगे, टाइम पीरियड जो होंगे मोशन का आ जाएगा। सो पीरियड ऑफ मोशन टी का बराबर होंगे वो होंगे टू पाई अपॉन स्केयर रूट म्यू, तो म्यू की वैल्यू जी है इतने आप भर दें हैं टू वी अपॉन बी माइनस ए, तो आ टू कैंसल हो जाएगा, आ उल्ट के उपर चला जाएगा, वी बाय बी माइनस ए जोड़ा है बी माइनस ए बाय बी बन जाएगा। तो इस तरह अपना जोड़ा है टाइम पीरियड जोड़ा है वह निकल आएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, ए पॉइंट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इन टू ऑफ इट्स पोजिशन वेलोसिटीज आर यू एंड वी, द कोरसपोंडिंग एक्सेलेशन आर अल्फा एंड बीटा। तो पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है हारमोनिक मोशन दो अलग अलग पोजिशनस, तो वो वेलोसिटी दे रखी है यू ते वी, तो उन्हां पॉइंटा के उपर ही अपन एक्सेलेशन भी दे रखी है अल्फा ते बीटा। आपां निकालना है कि दोनों पोजिशनस दे विच जिहड़ा डिस्टेंस का जिहड़ा फासला होएगा वो वी स्केयर माइनस यू स्केयर अपॉन अल्फा प्लस बीटा होएगा। टाइम पीरियड जिहड़ा मोशन का होएगा वह होएगा टू पाई स्केयर रूट यू स्केयर माइनस वी स्केयर अपॉन बीटा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर, तो जी एम्पलीट्यूड है वह ये बराबर होगी, ठीक है। तो आप पहले अज्यूम कर लेने कि लैट एक्स वन तो एक्स टू दो ऐसिया पोजिशनस ने जिन्हों के उपर वेलोसिटीज जी है यू तो वी हैगी है, एक्सेलेशन जी है वह अल्फा बीटा। तो साफ जी गल चार फॉर्मूले बन जाएंगे, है ना, एक वेलोसिटी वाला फॉर्मूला बन गया यू स्केयर इज इक्वल टू म्यू माइनस म्यू इंटू ए स्केयर माइनस एक्स वन स्केयर, यह पहली पोजिशन एक्स वन वाली है। फिर वी स्केयर इज इक्वल टू म्यू इंटू ए स्केयर माइनस एक्स टू स्केयर, ए एक्स टू जी है दूसरी पोजिशन है। तो आ अपनी एक्सेलेशन का फॉर्मूला आ गया, अल्फा इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स वन, ये पहली पोजिशन एक्सेलेशन होगी, तो बीटा इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स टू, ये दूजी पोजिशन एक्सेलेशन होगी।
चारों इक्वेशन्स नूं आपां एक नंबर दो नंबर तीन नंबर ते चार नंबर दे नाल डिनोट कर देने हैं। सब तो पहला आपां की करते हैं अल्फा ते बीटा वाली जिहड़ी इक्वेशन है उहनूं जोड़ देने हैं। तीन ते चार नूं जदों जोड़दे हैं अल्फा प्लस बीटा जिहड़ा हैगा उह माइनस म्यू एक्स वन प्लस एक्स टू आ जाएगा। उस तो बाद एक नंबर इक्वेशन नूं दो चों घटा देने यानी कि दिस माइनस दिस कर देने हैं वो बनेगा वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू म्यू इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू है ना। तो ये आप कर सकते हैं कि फैक्टर बना सकते हैं इतने आप फैक्टर बना ले नैगेटिव भी नाल लगा लिया है ना। तो जो नैगेटिव नाल लगा लिया तो हम देखियो आ म्यू माइनस म्यू एक्स टू प्लस एक्स वन जोड़ा है ये अल्फा प्लस बीटा के बराबर भरया जा सकता है ठीक है। तो इतों आह फैक्टर बाहर निकाल लो एक्स टू माइनस एक्स वन का बराबर लिखा जाऊगा वी स्केयर माइनस यू स्केयर अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये दो अलग अलग पोजिशन का डिफरेंस है दैट मीनस ये दोनों पोजिशन के विचकार वाला डिस्टेंस होएगा जो कि आप प्रूव कर चुके हैं ठीक है। ये जो यही प्रूव करने वाला सी उस तो बाद आप दो नंबर एक नंबर तो घटाने तो यू स्केयर माइनस वी स्केयर बन जूगा म्यू एक्स टू माइनस एक्स टू स्केयर माइनस एक्स वन स्केयर इनू आप छे नंबर इक्वेशन कह देंगे। उस तो बाद तीन ते चार नूं आपां प्रोसैस करते हैं स्केयर करके करते हैं सबट्रैक्ट आपां बीटा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर वो बन जाएगा म्यू एक्स टू स्केयर माइनस एक्स वन स्केयर तो छे ते सत्त नूं आपस डिवाइड कर दो उतों अपना म्यू निकल आएगा ठीक है। म्यू इन्ना आ जाएगा बीटा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर अपॉन यू स्केयर माइनस आ कट्टा जाऊगा ना आह वाला जो फैक्टर हैगा ये कट्टा जाऊगा तो म्यू आ जाएगा इतने बीटा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर अपॉन यू स्केयर माइनस वी स्केयर। तो जिमें कि जानते हैं आप जो टाइम पीरियड के लिए म्यू निकालना जरूरी होंगे है तो इतने आप म्यू भर सकते हैं जरा इतों लैके स्केयर टू लैके म्यू भर दो अपने जो टाइम पीरियड जो है मोशन का वह बन जाएगा टू पाई यू स्केयर स्केयर रूट यू स्केयर माइनस अल्फा यू स्केयर इतने अपना थोड़ा मैं गलत कर गया है ये असल च यू स्केयर माइनस वी स्केयर है अल्फा नहीं है ये थले है बीटा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर राइट। सो देखी रह गया थे तां उस तो बाद तीन नंबर आप डिराइव करना एक नंबर तो आप डिराइव कर सकते हैं ए स्केयर माइनस एक्स वन स्केयर इज इक्वल टू यू पहली नंबर क्वेश्चन जी सब तो पहले वाली हैगी है उतों अपना ए एक्स वन स्केयर तो यू स्केयर अपॉन म्यू इतों आप ए निकाल लाँगे ठीक है। इतने एक्स वन की वैल्यू आप तीन नंबर इक्वेशन चो चुके भर देंगे जो कि इन्नी है बस इस प्रोसैस ही करना है टर्म्स नू रीअरेंज करना हैगा इतों ए की कीमत आ जाएगी तो जो अपना ए है वो बेसिकली अपना एम्पलीट्यूड है। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 25 हैगा प्रूव दैट इन सिंपल हारमोनिक मोशन एक्सेलेशन इज एन स्केयर टाइम्स द डिसप्लेसमेंट राइट इफ इनिशियल डिसप्लेसमेंट बी एक्स नॉट द इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट द एम्पलीट्यूड विल बी दिस। तो इतने अपन आ फॉर्मूला दे रखे है राइट एफ इज इक्वल टू माइनस एन स्केयर एक्स है ना क्योंकि इन्हें आख्या कि एन स्केयर टाइम्स डिसप्लेसमेंट है तो साफ जी गल कि जरा म्यू एन स्केयर आ जाएगा वेलोसिटी का फॉर्मूला फिर की बनूगा वी स्केयर इज इक्वल टू एन स्केयर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर इनिशियली आपको दे रखे जो एक्स एक्स नॉट सगा उदो वी जोड़ा है वो यू नॉट वी नॉट के बराबर इतने फिल कर दो है ना जो फिल करोगे तो जरा एन स्केयर नीचे डिवाइड कर दो इतने एम्पलीट्यूड बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर जी है निकल आएगी। तो जिमें कि मैं कल भी गल की क्वेश्चन ये देखने को मुश्किल लग सकते हैं पर चार पाँच फॉर्मूले है जिन्होंने आप यूज़ करके जोड़ा है एक तो डिसप्लेसमेंट वाला फॉर्मूला जो दो तरीक लिखा जा सकता है वो एक फॉर्मूला हो गया एक वेलोसिटी वाला फॉर्मूला हो गया एक टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला हो गया एक हाँ बस वेलोसिटी टाइम पीरियड तो डिसप्लेसमेंट का फॉर्मूला तीन फॉर्मूले ही है इन्हों अगे पिछे प्रोसैस ही करना है होर इन्हों कुछ नहीं रखा हुआ ठीक है जी। तो अजली इन्ना ही बहुत है लैक्चर छोटा सगा तो ये अपनी जी एक्सरसाइज 5A हैगी है वो पूरी हो जाती है।